My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूँ. आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है. प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ऐसे विद्यार्थी जो कि बी एड सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए एक ऑप्शनल पेपर है जिसका कोर्स कोड है AGBED 109B. पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व या निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत. डियर स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड सेमेस्टर सत्र 2022-23 का जो एग्ज़ाम हुआ था इस पेपर का, इस कोर्स का, वो हुआ था 19 जुलाई 2023 को. तो 19 जुलाई 2023 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें दो सेक्शन थे, एक था डिस्क्रिप्टिव, दूसरा था ऑब्जेक्टिव. आज की क्लास हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर्स क्या होंगे. क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आए हैं उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. आपके स्क्रीन पर 19 जुलाई 2023 का जो AGBED 109A AGBED 109B का क्वेश्चन पेपर आया था वो स्क्रीन पर है आपके. चूँकि ये दोनों क्वेश्चन पेपर AGBED 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन और बी फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्वेश्चन पेपर जो था, दोनों एक साथ आए थे, एक ही समय एग्जाम हुआ था, दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं, इसलिए जो है दोनों का क्वेश्चन पेपर एक साथ है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू. आज हम लोग ग्रुप टू की बात कर रहे हैं, 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. जैसा कि आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो दो सेक्शन में है, व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी. जो व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव होता है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ऑफ 60 मार्क्स. व्याख्यात्मक की बात करें तो उसके लिए टाइम अलॉटेड है 1 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 15 और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6. आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कर इक्वल मार्क्स. कुल 6 प्रश्न होंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, सभी प्रश्नों के अंक समान अर्थात सभी प्रश्न 5 अंक के होते हैं. चलिए देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से आए थे. जो क्वेश्चन आए थे उसमें पहला क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द नीड ऑफ गाइडेंस, अर्थात निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए. तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था. इसमें आपने जब गाइडेंस पढ़ा होगा तो गाइडेंस की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, इसके बारे में पॉइंट वाइज आपको लिख देना था. द सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ओकेशनल गाइडेंस एंड करियर गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन और वृत्तिक निर्देशन में अंतर स्पष्ट करिए. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओकेशनल गाइडेंस क्या होता है या व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, और दूसरा करियर गाइडेंस या वृत्तिक निर्देशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए और इसके बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आप पॉइंट वाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंसलिंग, डिस्क्राइब द गोल्स ऑफ काउंसलिंग. यहाँ पे 2 प्रश्न है. पहला है कि परामर्श से आप क्या समझते हैं, दूसरा परामर्श के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए. तो आपको 2.5 अर्थात 2.5 नंबर में आपको ये बताना था कि परामर्श का क्या अर्थ होता है, परामर्श से क्या समझते हैं, क्या परिभाषा है. और उसके बाद जो आधा प्रश्न है, 2.5 नंबर जिसके लिए अलॉटेड है, वो है कि परामर्श के लक्ष्य कौन कौन से हैं, व्हाट आर द गोल्स ऑफ काउंसलिंग. तो इसको पॉइंट वाइज आपको आंसर देना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ गेटिंग ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं. तो व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने के जो प्रमुख स्रोत हैं जिसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़ पेपर हो गया, रेडियो हो गया, वेबसाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में हेडिंग डाल करके लिख देना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्पेशल चाइल्ड, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन. विशिष्ट वाले किसे कहते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेशल चाइल्ड या विशिष्ट बालक के बारे में लिखना था कि उनकी डिफिनीशंस क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम विशिष्ट बालक से क्या समझते हैं, किसे विशिष्ट बालक कहा जाता है, और उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को पॉइंट वाइज लिखना था कि विशिष्ट बालक की क्या क्या समस्याएं होती हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
कुल मिला के ये 6 प्रश्न आपके आए थे एग्जाम में, और इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर आपको लिख के देना था। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तीनों प्रश्न के जो मार्क्स हो बराबर हैं, 5-5 नंबर के हैं। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो लास्ट पेज आपके लिए इसमें बचा हुआ है वो आपका बचा है पेज नंबर 16 तक। तो यहाँ पे 9, 7, 16 लगभग 8 पेज आपको दिया हुआ है, जबकि जनरली जो है 6 पेज दिया रहता है। तो आपको करना क्या है कि 2 या 2.5 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उसके बाद जो है चूँकि जो है 3 प्रश्न करने हैं तो 2 या 2.5 पेज, पहले आप पेज को गिन लीजिए कि आपके पास कितने स्पेस हैं, कितना पेज है, कितना जगह है, और उसके अकॉर्डिंग जो है सभी प्रश्नों को बराबर महत्व देते हुए बराबर स्पेस में लिखना चाहिए। चलिए आप आगे हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, एजीबीट 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ग्रुप 2। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आए थे उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द मीनिंग ऑफ गाइडेंस इज, निर्देशन का अर्थ है, ऑप्शन आर ए कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, बी रिलेशनशिप प्रोसेस, सी अगली पावर ऑफ डेवलपमेंट, डी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, क्षमता का विकास, संबंधों का प्रक्रम, विकास का सहायक प्रक्रम, व्यक्तित्व का विकास। तो जो गाइडेंस है या निर्देशन है वो क्या है, दैट इज विकास का सहायक क्रम और ऑक्सिलरी पावर ऑफ डेवलपमेंट, या यह विकास का एक सहायक क्रम है। ये क्या कहता है, जो जो निर्देशन है या गाइडेंस है वो विद्यार्थियों को हेल्प प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विकास का सहायक क्रम और ऑक्सिलरी पावर ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सर्विस इज इम्पॉर्टेंट इन, सूचना सेवा का महत्व है, एंड इट ऑप्शन आर ए एडजस्टमेंट, गाइडेंस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और लर्निंग, समायोजन में, निर्देशन में, व्यक्तित्व विकास में या सीखने में। तो सूचना सेवा का महत्व कहाँ पर है, निर्देशन में है। सो द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो निर्देशन है, निर्देशन कार्य में व्यवसायगत सूचनाओं का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इंफॉर्मेशन सर्विस इज इम्पॉर्टेंट इन गाइडेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, गाइडेंस इज इसेंशियल फॉर, निर्देशन की आवश्यकता है, निर्देशन आवश्यक है, एंड ऑप्शन आर ए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, मानव क्षमता के विकास के लिए, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान के लिए, सी है व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी के लिए। तो निर्देशन की आवश्यकता, क्षमता के विकास के लिए भी, समस्या समाधान के लिए, व्यक्तित्व विकास सभी के लिए। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, इट इज स्टडीड इन ऑक्यूपेशनल एनालिसिस, व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है, एंड योर ऑप्शन आर ए मेथड ऑफ अर्निंग अ लिविंग, जीविकोपार्जन की विधि, बी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के प्रकार, से सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन, एंड डी इज इंडिविजुअल क्वालिटीज या वैयक्तिक गुण। तो डियर स्टूडेंट्स, जो व्यावसायिक विश्लेषण है, व्यावसायिक विश्लेषण या ऑक्यूपेशनल एनालिसिस, इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। टीचिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विध नहीं है। ऑप्शन है डिबेट, लेक्चर, वर्ड एसोसिएशन एंड एक्टिंग, वाद विवाद, भाषण, शब्द सहचर और अभिनय। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए या सृजनात्मक बालक के लिए, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो टीचिंग मेथड है वह उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। टीचिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग क्रिएटिव चाइल्ड। अब इसमें आप देखिए कि कौन कौन से ऐसी विधियां हैं जो सृजनात्मक बालकों को मदद करती हैं पढ़ने लिखने में। तो क्या होता है, जो अभिनय करता है तो उसकी क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती है, वर्ड एसोसिएशन में भी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और डिबेट में भी उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन जो भाषण होता है या लेक्चर होता है, लेक्चर पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो भाषण या लेक्चर जो कि टीचर सेंटर्ड है या सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, द IQ ऑफ स्लो लर्नर इज, जो मंद अधिगम करता होता है उसकी बुद्धि
कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन 40 to 60, 60 to 75, 70 to 89 and 90 to 100। तो मंद अधिगमकर्ता की जो बुद्धि लब्धि होती है दैट इज बिटवीन 70 to 89, 70 से 89 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिटवीन 70 to 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है हु गेव दिस डिफिनेशन, यह परिभाषा किसने दी है? डिफिनेशन इज क्रिएटिविटी इज दैट एबिलिटी ऑफ मैन विथ विच ही डज नोवेल क्रिएशन और प्रेजेंट्स नोवेल थिंकिंग। सृजनात्मकता मनुष्य की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना करता है, यह नवीन नवीन विचार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आर ल्यूथ, ट्रेवल, क्लिफ गिलफोर्ड एंड क्रो एंड क्रोथ। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन, ड्रिव हल। तो ड्रिव हल ने कहा था क्रिएटिविटी इज दैट एबिलिटी ऑफ मैन विच विद विच ही डज नोवेल क्रिएशन और प्रेजेंट्स नोवेल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज रिलेटेड टू असेसमेंट इन फॉलो अप सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा में मूल्यांकन से या मूल्यांकन से संबंधित है या आकलन से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर ए एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स, भूतपूर्व छात्रों का अनुभव, बी रिलेशन विद ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, व्यवसायिक संगठन से संबंध, सी है प्राइवेसी ऑफ काउंसलिंग रूम, परामर्श कक्ष की गोपनीयता, एंड डी मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन या सूचना संकलन के संबंध में। तो डिस्कशन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुवर्ती सेवा या फॉलो अप की बात की जा रही है। तो फॉलो अप हम किसका करते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स या भूतपूर्व छात्रों के अनुभव से संबंधित है फॉलो अप सर्विस असेसमेंट। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉलो अप सर्विस या अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य हैं। योर ऑप्शंस आर ए टू नो अबाउट एडजस्टमेंट, समायोजन का पता लगाना, बी कॉन्टैक्ट विथ ओल्ड स्टूडेंट्स, पूर्व छात्रों से संपर्क, सी है टू नो द काजेज ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन, संस्था छोड़ने की जानकारी प्राप्त करना, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो अनुवर्ती सेवा या फॉलो अप सर्विस के अंतर्गत सारे आते हैं, समायोजन का पता लगाना, पूर्व छात्रों से संपर्क, संस्था छोड़ने की जानकारी प्राप्त करना। सो ये द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय प्लेसमेंट सर्विस, निम्नलिखित में से जो कार्य स्थापन सेवा द्वारा किया जाता है वह है। ऑप्शन आर ए करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण, बी एग्जामिनेशन सिस्टम या परीक्षा की व्यवस्था, सी प्लेसमेंट या अविस्थापन, एंड डी टीचिंग व्यवस्था या टीचिंग सिस्टम या शिक्षण व्यवस्था। तो नाम ही है स्थापन सेवा या प्लेसमेंट सर्विस, तो प्लेसमेंट सर्विस क्या करती है, प्लेसमेंट का कार्य करती है। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट सर्विस, निम्नलिखित में कौन स्थापन सेवा का उद्देश्य नहीं है। एंड ऑप्शन आर ए असिस्ट इन प्लेसमेंट, नियुक्ति पाने में सहायता करना, बी असिस्ट इन स्टडी अध्ययन में सहायता करना, सी असिस्ट इन एडजस्टमेंट एट वर्क प्लेस कार्यस्थल पर समायोजन में सहायता करना, एंड डी असिस्ट इन ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग या उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता करना। प्रश्न है स्थापन सेवा का उद्देश्य नहीं है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट सर्विस, तो नियुक्ति पाने में सहायता करना है, समायोजन भी है, प्रशिक्षण भी है, अध्ययन में सहायता करना है, असिस्ट इन स्टडी जो है यह प्लेसमेंट सर्विस की का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, इनमें से कौन परामर्श प्रक्रिया का घटक नहीं है। एंड ऑप्शन आर ए गोल ऑफ काउंसलिंग या परामर्श के लक्ष्य, बी प्लेस ऑफ काउंसलिंग या परामर्श का स्थान, सी क्लाइंट या सेवार्थी, एंड डी काउंसलर या परामर्शदाता। तो परामर्श प्रक्रिया के घटक लक्ष्य भी है, सेवार्थी भी है, परामर्शदाता, जो प्लेस ऑफ काउंसलिंग है या परामर्श का स्थान है यह जो है परामर्श प्रक्रिया का कंपोनेंट नहीं है, इट इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग फोकसेस ऑन, अनिर्देशात्मक परामर्श केंद्रित होता है। ऑप्शन आर ए काउंसलर या परामर्शदाता पर, बी गोल या लक्ष्य पर, सी क्लाइंट या प्रार्थी पर, एंड डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है या अनिर्देशात्मक परामर्श होता है यह हमेशा क्लाइंट सेंटर्ड होता है या
जो क्लाइंट होते हैं या उपबोध्य होते हैं या प्रार्थी होते हैं उन पर केंद्रित होता है। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग फोकसेस ऑन क्लाइंट, अनिर्देशात्मक परामर्श जो है वो प्रार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है सेल्फ एनालिसिस इज इसेंशियल फॉर, आत्मविश्लेषण आवश्यक है। एंड ऑप्शन आर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स पाठ विषयों के चयन के लिए, सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन व्यवसाय के चयन के लिए, एडजस्टमेंट इन स्कूल्स विद्यालयों में समायोजन के लिए, एंड डी टू रिकॉग्नाइज सेल्फ या स्वयं को पहचानने के लिए। तो स्टूडेंट जो सेल्फ एनालिसिस है या आत्मविश्लेषण आवश्यक है स्वयं को पहचानने के लिए, टू रिकॉग्नाइज सेल्फ, सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज अप टू, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आर प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या हायर लेवल, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। जो एजुकेशनल गाइडेंस है या शैक्षिक निर्देशन और प्राइमरी सेकेंडरी हायर सभी भी दिया जाता है, सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सभी लेवल पे शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, सो डी ऑप्शन या ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन आर ए वेबसाइट, बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सी क्लब, एंड डी रेडियो एंड टेलीविजन। तो हमें जो सूचनाएँ मिलती हैं व्यवसाय से संबंधित, जो वेबसाइट से भी मिलती है, श्रम रोजगार मंत्रालय से मिलती है, रेडियो और दूरदर्शन से मिलती है, क्लब से नहीं मिलती, सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्लब, क्लब इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 प्रश्न है काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग, हु सेड दिस और हु सेड इट, परामर्श प्रक्रिया, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। एंड ऑप्शन आर ए रूल स्ट्रिंग, बर्नार्ड एंड फुलमर, विली एंड एंड्रू एंड कार्ल रोजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्टेटमेंट गिवन बाय विली एंड एंड्रू, विली एंड एंड्रू ने दिया था, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू विली एंड एंड्रू काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है हॉलैंड्स थ्योरी ऑफ वोकेशनल चॉइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर, हॉलैंड का व्यवसायिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन है आपके 55, 59, 61 और 63। तो हॉलैंड ने 1959 में कहा कि लोगों को इन 6 व्यक्तित्व श्रेणियों के सम्मिश्रण से चिन्हित किया जा सकता है। वो कौन कौन थे, पहला उन्होंने कहा कि यथार्थवादी, दूसरा अन्वेषक, तीसरा कलात्मक, चौथा सामाजिक, पाँचवा उद्यमी और छठवां पारंपरिक। तो जो हॉलैंड का व्यवसायिक चयन का सिद्धांत तो कब आया था, 1959 या 1959 में आया था, और उसी में उन्होंने व्यक्तित्व को 6 श्रेणियों में विभाजित किया या कहा कि 6 व्यक्ति श्रेणियों के सम्मिश्रण से व्यक्तियों को चिन्हित किया जा सकता है, लोगों को चिन्हित किया जाता है, यथार्थवादी, अन्वेषक, कलात्मक, सामाजिक, उद्यमी और पारंपरिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 प्रश्न है सुपर हैज एज्यूम्ड द स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन इज, सुपर ने अन्वेषण की अवस्था माना है। ऑप्शन है बिटवीन 15-18 ईयर्स एज, 16-20, 20-24 एंड 15-24। तो डियर स्टूडेंट्स सुपर की बात करें तो सुपर इन 1957 उन्होंने वृत्त विकास का कहा कि उन्होंने वृत्त विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहले जो अवस्था होती है होती समृद्धि प्रावस्था जिसका ईयर होता है 0-14 वर्ष अनुमानित। दूसरा होता है अन्वेषण की अवस्था जो कि 14-25 वर्ष होता है। तीसरा स्थापनिक की अवस्था जो 25-45 वर्ष की होता है। सी अनुरक्षण 45-65 वर्ष का होता है। और डी नेक्स्ट जो पाँचवा है दैट इज द हसोन्मुख अवस्था या जो कि ह्रासोन्मुख अवस्था जो कि 65 वर्ष से उससे अधिक की होती है। तो इस तरह से देखा जाए ग्रोथ का जो पीरियड है ग्रोथ एक्सप्लोरेशन का है और 0-14 वर्ष है। जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण की अवस्था वो है 14-25 वर्ष और हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उस 15-25 वर्ष। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है जो थर्ड वन है दैट इज द एक्सप्लोरेशन स्टेज वो है 25-45 वर्ष। फोर्थ जो है मेंटेनेंस स्टेज या मेंटेनेंस अवस्था जो होता है वो 45-65 वर्ष। एंड लास्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज वो 65 वर्ष और उससे अधिक का होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है
स्टेज ऑफ एक्सप्लेनेशन की, तो स्टेज ऑफ एक्सप्लेनेशन की जो एज है वो है 15 से 24 वर्ष ईयर। द बी लास्ट डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिटवीन 15 ईयर्स टू 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 प्लस संख्या 20 प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉ रॉबर्ट्स, मैस, जोन्स एंड सुपर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस पुस्तक है इसके राइटर हैं जोन्स जी। जोन्स जी ने कब लिखा है इसको, आर्थर जे जोन्स, इनका पूरा जो नाम है वो है आर्थर जे जोन्स। ये प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन के थे। इनका जो फर्स्ट एडिशन आया 1930 में, ये बुक आई है, ये मैकग्रा हिल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड न्यूयॉर्क के द्वारा जो है पब्लिश की गई थी 1930 में। इनका जो पूरा नाम है आर्थर जे जोन्स, आर्थर जे जोन्स। तो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, जोन्स साहब हैं, आर्थर जे जोन्स साहब हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 19 जुलाई 2023 को एजुबीजेट 109B का फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस को देखा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को देखा। ऑब्जेक्टिव में जो प्रथम 20 प्रश्न आए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 उसको सॉल्व किया। जो प्रश्न बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 उसको हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो हम तक पहुँचाइए, हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ आप में से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज़ में से आवश्यकता अनुसार वीडियोज़ को सिलेक्ट कर पाएँ, चूज कर पाएँ, देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको दबाइए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उसको हम अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।